एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पिथमपुर में हाल ही में कुछ दिनों पहले करोड़ों की लागत से बने ऑटो टेस्टिंग ट्रैक का जोरों शोरों से उद्घाटन हुआ और काफ़ी सुर्खियां बटोरी गई। इस खबर को लेकर पिथमपुर क्षेत्र की स्थिति काफ़ी दयनीय है। 3 सालों से संजय जलाशय रोड पर सर्विस रोड का काम अधर में लटका हुआ है। SW24 न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था, लेकिन आला अधिकारियों के कानों पर जूंग तक नहीं देंगी। हालात इस कदर है कि एक तरफ तो व्यापारियों के ऊपर लॉकडाउन की मार है, दूसरी तरफ नगरपालिका ने पूरी तरह से सड़क खोद दिया है। राखी का त्यौहार भी सिर पर है, ऐसे में गरीब व्यापारी अपना भरण पोषण कैसे करेंगे, कैसे अपनी दुकानों का किराया देंगे। आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरतबा तो हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। पीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। टाइम से रुका पड़ा है, क्या है पूरा मामला? संजय जलाशय रोड पिछले विगत 3 सालों से बन रहा है और ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कई बार कॉलोनी के 2 कोरोना काल के सत्र गए, उसमें भी कई बार है ना बड़ी समस्या का सामना करना था। मरीज को लेते जाओ, डिलीवरी पेशेंट लेके जाने वाले के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए, अन्य आवागमन के लिए भी बड़ा बहुत ही दिक्कत का सामना पड़ा है। और शासन और प्रशासन और नगर पालिका भी मतलब मंत्रमौन होकर बैठी हुई है। और एक तरफ पीतमपुर और मध्य प्रदेश की सरकार ऑटो ट्रैक को लेकर अपनी वाहवाही लूट रही है बड़े पैमाने पर और बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है ऐसा उनका कहना है, लेकिन पीतमपुर में जो मूलभूत सुविधा है 3-3.5 साल से संजय जलाशय रोड ऐसा ही पड़ा हुआ है और उसकी कोई भी संज्ञान लेने को राजी नहीं है, जिससे बहुत जनता को और पीतमपुर के रहवासियों को उससे दुर्घटना और सुविधा मिलने से वंचित हो रही है। जैसे कि हॉस्पिटल में जाना है या अन्य कई जगह जाना है तो किसी को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है संजय जलाशय रोड की वजह से। ठीक है, आपका नाम? डॉक्टर हेमंत कुमार, मध्य प्रदेश असंगठित कामगार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।